जब शाहरुख खान की बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप हो रही थी तब सबने एसआरके को ऑलमोस्ट फिनिश डिक्लेयर कर दिया था और उस टाइम पे फैंस का एसआरके के लिए सपोर्ट भी कम होता हुआ दिख रहा था। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था शाहरुख खान से बट पिक्चर में दम नहीं है। लेकिन जब प्रभास की बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप हो रही थी और इवन जब उन्होंने आदि पुरुष जैसी मूवी दी उसके बाद भी उनके स्टारडम पे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट फैंस उनकी नेक्स्ट मूवी सलार के लिए भी उतने ही हाइप थे जितनी वो प्रभास की बाकी मूवीज के लिए होते हैं। और वहीं एसआरके को अपनी हाइप को वापस लाने के लिए 4 साल का ब्रेक लेना पड़ा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभास का स्टारडम एकदम बुलेट प्रूफ है, उनके स्टारडम के ऊपर उनकी फ्लॉप मूवी की वजह से कोई असर ही नहीं पड़ता? अगर हाँ तो प्रभास की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो कि उनके स्टारडम को इस लेवल पर लेकर गई है, जानते हैं इस वीडियो में। अब मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो दे दी कि प्रभास का स्टारडम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, तुम लोगों को तो सबूत चाहिए ना। जो ये चाहिए। तो मेरे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम हेल्प लेंगे बॉक्स ऑफिस डाटा की और किस स्टार का कितना बड़ा स्टारडम कितना बड़ा है उस बात का हम पता लगाएंगे उस एक्टर की फ्लॉप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कि आखिर उस एक्टर की बुरी से बुरी मूवीज को भी कितने लोग देख के आ रहे हैं। प्रभास और इंडियन सिनेमा की सबसे डिजास्टर मूवी आदिपुरुष ने कलेक्ट किए थे 360 करोड़ और वहीं साहो जो कि एक फेलियर थी उसने भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ कलेक्शन कर लिया था जो कि हाईएर है कुछ बॉलीवुड और साउथ के ए लिस्ट एक्टर की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज से भी और टीयर 2 एक्टर के लिए तो ये नंबर अनरीचेबल है। शाहरुख खान की बैक टू बैक मूवी के बाद सब लोगों ने उन्हें फिनिश डिक्लेयर कर दिया था बट प्रभास पे फ्लॉप का कोई असर ही नहीं पड़ा। हाँ कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करके लॉटरी स्टार जरूर बुलाया और हाँ कुछ लोगों ने उबला हुआ आलू भी बोला था। सॉरी। एसआरके की फ्लॉप के बाद उन्हें काफी नेगेटिविटी झेलनी पड़ी और लोगों ने एसआरके का एंड इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि उस टाइम पे एसआरके के पास कोई तगड़ी मूवी लाइनअप नहीं थी और उसी के कारण एसआरके के फैंस के पास कोई चीज ही नहीं थी हाइप होने के लिए और इसके अलावा हमारे भाई 4 साल के लिए अंडरग्राउंड और हो गए थे। लेकिन ये केस प्रभास के साथ नहीं था। प्रभास की एक मूवी फ्लॉप हो जाती थी तो अगली मूवी के कारण प्रभास के फैंस वैसे ही हाइप अप रहते थे। राधेश्याम फ्लॉप हुई तो लोग आदिपुरुष के लिए हाइप थे, आदिपुरुष कुत्तों की तरह पीटी तो लोग सलार के लिए हाइप थे और अभी लोग कल्कि के लिए हाइप है। कल्कि के बाद राजा साहब, स्प्रिट और ऐसी बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है तो मतलब प्रभास के पास अगले 2-3 या फिर 4 सालों के लिए फुल राशन है। और मुझे पता है कि तुम लोग सुनना चाहते हो कि क्या प्रभास का स्टारडम एक्चुअल में एसआरके से भी बड़ा है, तो इसका जवाब तुम्हें वीडियो में आगे मिलेगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि प्रभास को इस लेवल का स्टारडम आखिर मिला कैसे। अगर पूरे भारत में लोग प्रभास को जानते हैं तो उसका मैक्सिमम क्रेडिट बाहुबली को जाता है, लेकिन क्या सिर्फ एक मूवी एक एक्टर को इतना बड़ा सुपरस्टार बना सकती है कि अगले वो 5-6 सालों तक खराब मूवी भी करे तब भी उसके स्टारडम पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े? अगर कोई एक्टर लगातार 4-5 सालों तक खराब मूवी बनाए तो एक टाइम के बाद वो निपट जाएगा और पब्लिक का भरोसा वो कम्प्लीटली खो देगा। पर इस चीज का फर्क प्रभास के स्टारडम पे कुछ घंटा भी नहीं पड़ रहा, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है प्रभास की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी। प्रभास बहुत हम्बल काइंड और इंट्रोवर्ट नेचर के आदमी है, वो थोड़े से शाय भी है। क्या बात कर रहे? तो पॉइंट ये कि उनका स्टारडम मेंटेन रहा उनके हम्बल नेचर की वजह से। यूजुअली जो फिल्म स्टार होते हैं चाहे वो बॉलीवुड के हो या फिर साउथ के, उनमें कहीं ना कहीं एक एरोगेंस नजर आ ही जाता है, बट प्रभास ने अपनी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी को वैसे प्रेजेंट किया या फिर उनमें एरोगेंस है ही नहीं और यही चीज प्रभास को एक इतना बड़ा सुपरस्टार बनाती है। सुपरस्टार तो बाकी भी है और अपकमिंग सुपरस्टार भी है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो कि प्रभास को यूनिक और बेटर बनाती है? प्रभास का बाहुबली के बाद जो लाइनअप था वो पेपर पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। वो हर बार एक न्यू जॉनर की मूवी ट्राई कर रहे थे, पहले एक्शन थ्रिलर साहो, उसके बाद रोमांटिक मूवी राधेश्याम, उसके बाद हिस्टोरिकल मूवी आदिपुरुष, देन मास एक्शन सलार और अब डिस्टोपियन मूवी कल्कि 2898 AD। यही नहीं अभी और सुनिए, कल्कि के बाद हॉरर कॉमेडी राजा साहब, उसके बाद ए रेटेड मूवी स्प्रिट और उसके बाद फिर से मासी एक्शन मूवी सलार 2। मतलब देख रहे हो बंदा हर जॉनर की मूवी करने का मन बना चुका है, बंदा वैरायटी ऑफ मूवीज कर रहा है। हाँ वो अलग बात है कि ज्यादातर टाइम वो फेल हो गए बट ही इज ट्राइंग और यही बात उन्हें बाकी के साउथ सुपरस्टार से अलग बनाती है। बेसिकली साउथ सुपरस्टार ज्यादातर मसाला मूवीज ही करते हैं, उन्हें दूसरे जॉनर का नाम ही नहीं पता। कमल हसन सर, धनुष, सूर्य, विक्रम, हाँ मुझे पता है ये सब एक्सेप्शन है, कहीं सालों तो मुझे कमेंट में पेल दो, साला अपनी ऑडियंस से डर लगता है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और जहाँ बाकी सुपरस्टार बिग बजट मूवीज बस एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ ही करना प्रिफर करते हैं, वहीं प्रभास ने साहो और राधेश्याम में उन डायरेक्टर्स को चांस दिया जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और ये एक अच्छी बात है। और उन लोगों ने इसी अच्छी बात की वजह से प्रभास के करियर की मां चोद और जिस स्टारडम के लिए हम प्रभास को हाइप करते हैं वही स्टारडम प्रभास के लिए कर्स है। और इवन उन्होंने खुद ही बोला है कि उनको बिग बजट मूवीज की तरफ पुश किया
जा रहा है, जिसकी वजह से जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि मेकर्स उनको सिर्फ बिग बजट मूवीज ही ऑफर करते हैं और उनके स्टारडम को एज ए कैश ग्रैबिंग मशीन देखते हैं। तो देख रहे हो स्टारडम का कितना नुकसान है, इसी वजह से मैं फेसकैम नहीं करता। पता चले मैं भी ज्यादा ही फेमस हो गया, मेरा जीना मुश्किल हो गया। चुप कर बे कुत्ते। और यहाँ पे एक और चीज है कि प्रभास अपने डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे भाईजान, अच्छे डायरेक्टर्स भाईजान से अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं, और वही कुछ बुरे डायरेक्टर और भाईजान खुद स्वयं मिलके और तीन चार लोगों को और बुला के अपने करियर पे मूत रहे हैं। एक तगड़ा डायरेक्टर लाइक राजा मौली प्रभास को गोल्ड लेवल प्रेजेंट कर सकता है और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस भी निकलवा सकता है, और वहीं पे ओम राउत जैसा नालायक और छपरी डायरेक्टर उनको भी छपरी बना सकता है। देखो प्रभास एक ऐसे एक्टर है जिनके पास मेगा स्टारडम है और उनकी एक्टिंग स्किल भी कमाल की है, तो एक ऐसे एक्टर का फ्यूचर आने वाले टाइम में कितना ब्राइट है और वो इंडस्ट्री को कितना डोमिनेट और कर सकता है। प्रभास के पास सलार 2 और कल के यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज आएगी वो सब है। इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा की स्प्रिट भी है जो कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देगी। प्रभास का जो लाइनअप है वो काफी तगड़ा है, तो क्या वो नेक्स्ट डेकेड को सिंगल हैंडली रूल करेंगे? डेफिनेटली नॉट। मगर क्यों? और शायद पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया में अपील और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा दी सुपरस्टार शाहरुख खान, जिनकी अब तक कोई भी मूवी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उनके रूमर्ड प्रोजेक्ट भी काफी तगड़े हैं, लाइक किंग एंड पठान 2, उनका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। और ये सारे लोग मिलके प्रभास को एक तगड़ा कॉम्पिटिशन जरूर देंगे। प्रभास की ही आदि पुरुष जो कि इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को सबसे लोवेस्ट पे लेकर गई थी, और अब प्रभास की ही मूवी कल की जो कि इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को और भी ज्यादा नई ऊंचाइयां देगी। बाकी तो कल की का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर वर्ल्ड क्लास लग रहा है। प्रभास भी फुल फॉर्म में लग रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी अच्छी है, और अमिताभ बच्चन और अश्वत्थामा ने तो आग से लगा रखी है। बाकी तो तुम बताओ तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा। और पहले ही बता दूं कि जो कूल के चोमदे है जिनको कल की सस्ती ड्यून लग रही है वो मेरे मुंह ना लगे वरना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और ट्रेलर कट तो काफी सही लग रहा है, और ट्रेलर को देख के लग रहा है कि आयन मुखर्जी को से ट्यूशन लेनी चाहिए, क्योंकि नागश्वन अपने मुद्दे से नहीं भटके, क्योंकि उन्हें पता है जो टॉपिक उन्होंने चूज किया है वो काफी बड़ा है। और इस डिस्टोपियन फ्यूचर में जो माइथोलॉजी का टच दे रहे हैं उसको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और एज ए सेल्फ प्रोक्लेम बाप लेवल का VFX आर्टिस्ट, ट्रेलर का VFX ऑन पॉइंट है, और ये देख के पता चलता है कि इस बंदे का विजन किस लेवल पे है। और विजन से याद आया, और ये पावर इन्हें शायद विजन के माइंडस्टोन से मिल रही है। अबे नीरे, अबे तुम दो लोग हो और तुम दोनों का IQ मिला के मेरे कुत्ते के बराबर भी नहीं है। ये जोक मारा है तो ठीक है, वरना ये तुम लोगों ने एक्चुअल में बोला है तो धिक्कार है यार। भाई मेरे टाइम में 7वीं-8वीं क्लास में महाभारत पढ़ाई गई थी और शायद अभी भी पढ़ाई जाती है, तो जाओ पढ़ के आओ। मतलब मैं ऐसे ही कूल छपरियों की बात कर रहा था जो कि अश्वत्थामा की मनी को विजन से कंपेयर कर रहे थे, और इस पूरी मूवी को ड्यून से। और भाई ये लोग वही है जो कि आदिपुरुष के टाइम पे 2 किलो पनीर में बिक गए थे, और इन लोगों ने आदिपुरुष का एक पॉजिटिव रिव्यू किया था। क्या भाई कल की वालों ने पनीर नहीं पहुंचाया क्या? धिक्कार है हम पर। देखो अगर मैं ये बताने बैठ गया ना कि प्रभास का स्टारडम बढ़ा है या फिर SRK का, तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। तो हम यहाँ लॉजिक के साथ बात करते हैं। देखो जो SRK की बॉक्स ऑफिस अपील है वो इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी काफी तगड़ी है, और उनकी हर अच्छी कमर्शियल मूवी का पोटेंशियल 1000 करोड़ तो है। और वहीं पे प्रभास का जो बॉक्स ऑफिस अपील है वो साउथ के साथ साथ नॉर्थ बेल्ट में भी काफी तगड़ा है, और उनकी एक अच्छी कमर्शियल मूवी का पोटेंशियल भी 1000 करोड़ तो है। शाहरुख खान वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, और वहीं पे प्रभास भी अपनी बाहुबली फ्रेंचाइज की वजह से वर्ल्ड वाइड उतने ही फेमस हो चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों का ही बॉक्स ऑफिस स्टारडम सेम ही है। दोनों ही इंडियन सिनेमा के वेंडोन आइकन है, और दोनों ने इंडियन सिनेमा को एक से बढ़कर एक मूवीज भी दी है। एक से बढ़कर एक मूवीज तो वो भी दे रहे हैं, और एक से बढ़कर एक वीडियोस तो मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग लाइक नहीं कर रहे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम्हारे लिए चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, तो जाके सारी की सारी वीडियो को देख डालो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना, और स्क्रीन पे तुम्हें मेरी दो फेवरेट वीडियोस दिख रही होगी उनको भी चेक एक बार जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।